और महंगाई के बढ़ते हुए तूफान से इस्लामाबाद के शहरी परेशान हो गए। शहर में लगाए गए इतवार बाजार भी उन्हें सहूलियात ना दे सके। तफसीलात महवेश कमास से। महंगाई से खरीदार भी परेशान और बेचने वाले भी। इस्लामाबाद में आवाम को रिलीफ देने के लिए लगाए इतवार बाजार से शहरी मायूस लौटने लगे। इस साल महंगाई ने अपने रिकॉर्ड कायम कर दिए। महंगाई में 14% इजाफा हो गया। शहरी कहते हैं कि अशिया के दाम आसमान से बातें कर रहे हैं। आजकल 2000 में सिर्फ सब्जियां, चंद सब्जियां, एक एक आधा आधा किलो या डेढ़ डेढ़ किलो, और फ्रूट तो जा ही नहीं सकते। फ्रूट तो समय ले थैले खत्म हो चुके हैं। महंगाई के जिनको काबू करने के लिए कम अज कम कोई हिकमत अमली तैयार करें, जिससे गरीब कम अज कम रिलीफ और सुकून का सांस ले सके। आवाम को सहूलत देने के लिए हुकूमत की जानिब से इतवार बाजार तो लगाए गए हैं, मगर यहाँ भी आवाम अशिया के मयार की शिकायत करते नजर आते हैं। अगर स्टार्ट होल्डर को 20 रुपए ज्यादा नहीं देंगे तो आपको सब्जी जो मिलेगी या फल मिलेगा गला सड़ा मिलाएगा, तो लोग मजबूर हैं। आप बाजार का आप देख लें कि यहाँ पे वो रौनक आपको नजर नहीं आ रही। दुकानदार भी महंगाई से परेशान है, कहते हैं कि खरीदार खरीदारी से पहले काफी बहस करते हैं, मुनाफा अब बिल्कुल नहीं होता। हुकूमत को चाहिए कि इस महंगाई को थोड़ा कंट्रोल करे, और किसी भी चीज कोई गरीब बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसके लिए आपको चाहिए कि कुछ इंतजाम किए जाए। शहरियों ने ये भी शिकवा किया कि हुकूमत ने आवाम को जो रिलीफ देने के वादे और दावे किए थे वो पूरे नहीं किए। कैमरामैन बिलाल के साथ महवेश कमास, GTV इस्लामाबाद।